अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे का बहुत ही टेस्टी कबाब। इसे बनाना तो आसान है ही, टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आधा किलो कीमा लेकर उसे अच्छे से धो ली थी और उसका पानी अच्छे से निकाल ली थी। उसके बाद ये मेरा जो कीमा था वो हाथ का कीमा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा मिक्सर में पीस ली हूँ। अगर आप मशीन कीमा ले रहे हैं तो मशीन में ही उसे बारीक करवा लें। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो एक छोटा चम्मच ले ली हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच भुना कुटा जीरा ले ली हूँ, दो छोटा चम्मच ले ली हूँ कुटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच ले ली हूँ गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच ले ली हूँ हल्दी पाउडर। तो इन सब पाउडर मसालों को हमें डाल देना है कीमे के अंदर। हरा मिर्च ले ली हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इस तरह से हमें दरदरा पीस लेना है। अब मैं डालूँगी इसे कीमे में। नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से, तो मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल ली हूँ इसमें। 2 बड़े साइज़ के प्याज को लेकर उसे मिक्सर में पीस ली थी और उसे निचोड़ के उसका पानी निकाल ली हूँ। और ये जो मोटा वाला पार्ट बचा है इसे मैं डाल दूँगी। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है। और अब मैं डालूँगी इसमें बेसन बाइंडिंग के लिए, तो मैं 5 बड़े चम्मच बेसन डाल ली हूँ। 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी पुदीना और 3 बड़ा चम्मच डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 छोटा चम्मच डाल दूंगी इसमें घी। घी डालने से जो हमारा कबाब है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। अब हमें हाथों से इसे अच्छे से मिला लेना है, तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद आप चाहें तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें और बाद में कबाब बनाएं। मैं इसे तुरंत बना रही हूँ। इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसका कबाब बनाकर तैयार करेंगे। हाथों से थोड़ा सा इसे चिपटा कर देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल कच्चा है। तो इस तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ कबाब बना ली हूँ मैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा कबाब है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो पैन में जितना कबाब एक बार में आ गया उतना डाल दी हूँ। अब हमें इसे तुरंत नहीं छूना है, इसी तरह पहले फ्राई होने देना है। कबाब के एक तरफ जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। कबाब को तुरंत तेल में डालने के बाद हम इसे पलटने लगेंगे तो ये टूट सकता है। तो इस तरह से अब मैं पलट लूँगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है एक साइड में। दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे इसे पलट कर। तो मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। और यहाँ हमारा कबाब अच्छे से फ्राई हो चुका है दोनों तरफ से, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और सारे कबाब इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और यहाँ हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बना है। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।